हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेद की वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज का मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है सुपर फूड्स फॉर हेल्दी स्किन। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आज हम ऐसे फूड आइटम्स की बात करेंगे जो हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमारी स्किन को ग्लो कराने में और नरिश करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए और बीटा कैरोटीन रिच डाइट खानी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट भी आपको बहुत ज़रूरी है। फिर आपको कहीं ना कहीं सेलेनियम के लिए अनियन, गार्लिक पे डिपेंड रहना होगा। ओमेगा 3 एसिड जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको कहीं ना कहीं फ़िश या मीट पर डिपेंड रह सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम के लिए आपको फिग यानी अंजीर जो है उसका सेवन करना चाहिए, ब्राउन राइस कंज्यूम करने चाहिए। फिर सबसे लास्ट में यहाँ देख रहे होंगे आपके वाटर का भरपूर मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा आपको अगर स्किन नरिश करनी है, स्किन को हेल्दी रखना है तो। और जैसे नट्स हैं या लीफी वेजिटेबल है जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, वो विटामिन ई का बढ़िया स्रोत हैं, तो उनको कंज्यूम कीजिए। जितने भी वाटरी फ्रूट हैं जैसे वाटरमेलन है या पोटैटो है, सॉरी टोमेटो है, उसका इस्तेमाल कीजिए विटामिन सी के लिए। फिर विटामिन ए के लिए आपको कैरेट या कहीं ना कहीं स्वीट पोटैटो पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो एक जनरल डाइट है इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो बात करेंगे वो 5 सुपर फूड आइटम्स की बात करेंगे जो आपकी स्किन को बढ़िया तरीके से नरिश करेंगी और उसको डायरेक्ट बेनिफिट देंगी। और आप अगर इस डाइट को या इन आइटम्स को मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नरिश करेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों पम्पकिन सीड्स यानी सीताफल के बीज। और ये जो सीड्स हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तो स्वादिष्ट हैं, फ्लेवर्ड हैं और इसमें जिंक है और मिनरल से भरे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करने में हेल्प करते हैं। और जो सेल्स डेड होती रहती हैं हमारी स्किन की, उनको रिपेयर करना और उनको नई सेल्स को बनाना, ये भी कहीं ना कहीं पम्पकिन सीड्स करते हैं। और ये कोलेजन फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्किन में, तो इसलिए स्किन को ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तो अगर हम पम्पकिन सीड को कंज्यूम करें तो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। और अब जान लेते हैं कि पम्पकिन सीड जो है यानी सीताफल के बीज, इन्हें खाना कैसे है। तो कुछ नहीं दोस्तों, 1 चम्मच बीज खाने हैं, 30 मिनट तक भिगो के रख दीजिए और फिर उसके बाद उसे कंज्यूम कर लीजिए, चबा चबा करके खा लीजिए। फिर दोस्तों इसके बाद है दूसरे नंबर पर एप्पल यानी सेब। और सेब के फ़ायदे तो हम सब जानते ही हैं, इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन है, स्किन की टोन है उसको फेयर करता है, उसको कहीं ना कहीं बेहतर करता है, नरिश करता है और ये हमारी स्किन को डेड होने से बचाता है और कहीं ना कहीं हमारी एजिंग को भी प्रिवेंट करने में एप्पल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। त्वचा पर रिंकल्स नहीं आते, झुर्रियाँ नहीं आती। और जहाँ तक खाने की बात करें तो अगर एप्पल खाना चाहते हैं तो आप रोज़ एक एप्पल, एक सेब सुबह खाइए। और सेब के तो फ़ायदे जो हैं वो स्किन के साथ साथ और तमाम चीज़ों में भी, जो एप्पल है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप इसे रोज़ खाते हैं तो आपको निश्चित रूप से सेहत वाइज बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। और शकरकंद जो है दोस्तों, ये विटामिन ए और सी से भरी हुई एक फूड है और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे एक्ने निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, उनको भरने की बहुत पावर है। और कहीं ना कहीं ये जो सन बर्न हो जाता है यानी स्किन जो है वो हीट के कॉन्टैक्ट में आकर के ब्लैक हो जाती है, तो उससे भी ये कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करता है, स्किन को बचाता है। अगर कंज्यूम करने की बात करें तो शकरकंद को कैसे खाएं, तो शकरकंद को खाने के कई तरीके हैं, हम सब परिचित हैं इस पर्टिकुलर फूड आइटम से। इसको उबाल कर या भून कर भी खा सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप शाम के समय में केवल शकरकंद ही शकरकंद खाएं, खाना ना खाएं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। फिर दोस्तों अगला आइटम है बीट यानी चुकंदर। चुकंदर भी एक बहुत शानदार ऑल्टरनेटिव है अगर आप स्किन को नरिश करना चाहते हैं तो। इसको बीट रूट भी कहते हैं और ये कहीं ना कहीं एक पिगमेंट पाया जाता है इसमें, एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन जो है दोस्तों, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है
जो हमारी स्किन में होने वाले जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, और जो हमारे उम्र के बढ़ते हुए निशान हैं जैसे एजिंग का प्रोसेस है उसको रोक देता है, और रिंकल यानी झाइयाँ आदि को भी होने से रोकता है, बचाता है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और चुकंदर खाने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि आपको एक चुकंदर रोज़ खानी है, यानी हर रोज़ एक चुकंदर खाइए, चाहे तो सलाद के रूप में काट करके खा लीजिए या फिर जूस के रूप में पी लीजिए, लेकिन एक चुकंदर रोज़ मेंटेन करनी है। अगर आप सलाद के रूप में खाते हैं तो इसको चबा चबा करके जितना चबाएंगे ये उतना ही फ़ायदा करेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला है स्क्वैश, यानी स्क्वैश होती हैं कुछ वेजिटेबल्स जिसमें आप पम्पकिन है, एकॉर्न है, बटरनट है, तोरई वोरई आ जाती है इसमें, तो आप अगर इनको खाएंगे तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ पिगमेंट्स हैं जो हमारे जो ऑयल प्रोडक्शन है स्किन का उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, और स्किन जो है वो किसी भी तरह के एक्ने या मुहासों से बची रहती है। तो स्किन में जो जो नरिशमेंट है वो डायरेक्ट मिलता है। स्क्वैश जो है वो खाने का तरीका सीधा ही है कि इन्हें हम रेगुलर सब्जी के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि आप कद्दू की सब्जी खाइए रोज़, जैसे कि आप तोरई की सब्जी खाइए, आप जैसे कि बटरनट आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो इस तरह से। फिर आखिर में मैंने आपको बताना है दोस्तों कि पानी जो है वो इन सब के अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना पानी अधिक पिएंगे उतना ही आपकी स्किन नरिश रहेगी, बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिसका नाम है बायोवेदिक्स। तो थैंक यू वेरी मच।